अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मशहूर अदाकार की तबीयत अब बेहतर है क्योंकि उन्हें सांस लेने में दुश्वारी के सबब अस्पताल में दाखिल किया गया था और उनके माता उनकी बीमारी की खबर सुनकर तशवीश में मुब्तला हो गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मशहूर लेजेंड अदाकार दिलीप कुमार को सांस लेने में दुश्वारी के सबब मुंबई के एक अस्पताल में दाखिल किया गया था, लेकिन अब उनकी तबीयत बेहतर है। अदाकार दिलीप कुमार के मैनेजर ने ट्विटर पर इनकी सेहत के हवाले से मतदाताओं को इतला देते हुए कहा कि आप सबकी दुआओं का शुक्रिया। उन्होंने मजीद कहा, दिलीप साहब का इलाज कर दिया गया है और मैंने जाती तौर पर डॉक्टर से बात की है और वो दोनों पुर उम्मीद हैं कि दिलीप साहब को कल अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा और वो बहुत जल्द घर वापिस आ जाएंगे। याद रहे, अदाकार दिलीप कुमार के इंतकाल की अफवाहें भी मीडिया पर जेरे गर्दिश थी। बाद अज़ां अदाकार दिलीप कुमार की अहलिया सायरा बानो ने इन तमाम अफवाहों की तर्दीद करते हुए कहा था कि दिलीप साहब की तबीयत अब बेहतर है और उन्हें 2-3 रोज में डिस्चार्ज भी कर दिया जाएगा। याद रहे, अदाकार दिलीप कुमार एक मशहूर अदाकार हैं जिन्हें मद्दा आज भी पसंद करते हैं।